आप देख रहे हैं राजसमंद के आमेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहाँ आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज भव्य शोभा यात्रा क्षत्रिय दीपा दर्जी समाज की आज भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। और देखिए पूरे नगर को, नगर पालिका को सजा दिया गया है। आमेट आमेट नगर पालिका का सीधा दृश्य आपके सामने है। ये लक्ष्मी बाजार, हाँ ये लक्ष्मी बाजार है, छोड़ते चलो दो मिनट में पूरा। आप देख सकते हैं कि जगह जगह स्वागत गोयल परिवार द्वारा लगाया गया है, दीपा क्षत्रिय दर्जी समाज द्वारा ये आज पूरा सजावट जो है वो की गई है। कुछ देर में शोभा यात्रा निकलेगी, उसका भी हम आपको आनंद उठाएंगे। कई तरह के घोड़े इस शोभा यात्रा में सम्मिलित किए गए हैं, मारवाड़ से ढोल सम्मिलित किए गए हैं। और आप देखें आगे तक पूरे जो है पूरा सभी तरफ स्वागत द्वार लगाए गए हैं, पिपा जी की तस्वीरें लगाई गई है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए गए हैं ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संदेश जाए और पिपा जी के प्रति समर्पण भाव के पैदा हो। इसीलिए आप देखिए पूरा बाजार को गुंजार कर दिया गया है, थोड़ी देर में बाजार खुलेगा, स्वागत और अभिनंदन का तांता जो है वो लगेगा। और देखिए समाज के मुखबिर है, सभी लाइटिंग फोटो में दिखाई दे रहे हैं और नज़ारा आपके साथ में। ये देखिए पोमार परिवार है, आमेट का है और सोलंकी परिवार है। इसी प्रकार से सभी परिवारों ने अपने अपने अलग अलग होर्डिंग लगाए हैं, स्वागत द्वार लगाए हैं। हमारे कुछ बताऊं कि पूरे पूरे मेवाड़ पर से नहीं, मारवाड़ से भी आज लोग आए हैं। एमपी जी, इधर देखो आप, ये जो है पोमार परिवार है। आगे और जाएगी यात्रा, यही है ना, तो ये पूरा बाजार जो है शोभा यात्रा या नगर से पूरी निकलेगी। करीब दो घंटे की ये, हाँ दो घंटे की यात्रा रहेगी और सारी तरफ ध्वज लगा दिए गए हैं। ये ना फोटो मिलो, तो चारों तरफ ध्वज घुमा लिए गए हैं। ये पूरा हमारा फोटो लिया जाए, हाँ बिल्कुल ले लेंगे। तो पूरा नज़ारा आपके सामने है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम आज इस आमेट की धरती पर होने वाला है। तो देखिए समाज के जितने भी गणमान्य हैं वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई, एक मिनट, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे और पूरे बाजार को। जी ऋषभ जी सोलंकी साहब, आप उदयपुर से बता रहे हैं, किस प्रकार की रौनक यहाँ बाजार में देखी जा रही है? देखो आमेट बहुत बड़ा गांव है और गांव क्या, एक बड़ा कस्बा है, कस्बा नहीं नगर पालिका है। हाँ नगर पालिका, ये नगर पालिका बता रहे हैं, बहुत ही बड़ा और अच्छा गाँव है। बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ी गंदगी का आलम ज़्यादा है, बाकी बहुत अच्छा गांव है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और अपने पीपा क्षेत्र समाज के लगभग यहाँ पे 40-200 मकान होंगे। और आज जो कार्यक्रम रखा है गुरु पूर्णिमा महोत्सव का, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे पत्रकार महोदय, सामाजिक पत्रकार श्रीमान गोविंद जी, और पल पल की रिपोर्ट अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और सीधा प्रसारण चल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आगे चलिए। तो आप देख सकते हैं कि देवनगरी राजसमंद की आमेट नगर पालिका में सीधा आज क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज का ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी तस्वीरें आप तक सीधी पहुंचेगी। ये देखिए पोमार परिवार ने अपना स्वागत द्वार लगाया है। थोड़ा देखिए आप आगे, देखिए और जाएंगे तो जगह जगह आप जाएंगे तो आपको सारे द्वार दिखाई देंगे। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ भी होर्डिंग लगा हुआ है, तो यहाँ भी स्वागत द्वार, पीपा जी के जगह जगह होर्डिंग पेपर जितना हो सके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पीपा जी के प्रति समर्पण भाव जागे। ये देखिए पोमार परिवार, जहाँ जहाँ मकान है वहाँ वहाँ गेट लगाए गए हैं। तो ये है, आप देखें कि आमेट का बस स्टैंड है और बस स्टैंड, और ये देखिए जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, चारों तरफ नगर में सजाया गया है। तो मित्रों गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप अपने गुरु के कर्तव्यों का पालन करेंगे, संस्कारवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। आप निकलो।